फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम जीरो और एक नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे, और ये चोली हम जो समर वाला क्रोशिया थ्रेड आता है उससे बनाएंगे। ये जीरो नंबर की है, ये एक नंबर की है, और इसके लिए देखिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। 12 नंबर है 2.5 mm, इस तरह का ये क्रोशिया हुक है। और ये क्रोशिया की चोली बनाने के लिए जो मैंने थ्रेड यूज़ किया है, ये देखिए इस तरह का ये क्रोशिया थ्रेड है। ये बारीक होता है, इसीलिए हमने 12 नंबर का क्रोशिया हुक इसके लिए यूज़ किया है। और इससे बनी हुई ड्रेस को आप कान्हा जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं, सभी कलर्स में मिलता है। देखिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे इसके शेड्स हैं, ये पैरेट कलर है, ये देखिए एक डार्क येलो, एक लाइट येलो, और ऑरेंज कलर में भी है। ये देखिए इस तरह का ये पैकेट में भी मिलता है, या फिर आप लूज बॉल भी ले सकते हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा है होबी इंडिया क्रोशे थ्रेड, तो थ्रेड से बनी हुई ड्रेस को आप पहना सकते हैं कान्हा जी को गर्मियों में भी। गंगा एक्रो वूल निटिंग यार्न लिखा है, देखिए काफ़ी सारे इसके शेड्स हैं। ये देखिए ये मल्टी कलर में है। या तो आप ये थ्रेड ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर जहाँ से आप वूल लेते हैं विंटर के लिए, वहाँ से भी ये शॉप से मिल जाता है। तो इससे पहले भी मैंने मेरे चैनल पर क्रोशिया के धागे से वीडियोस अपलोड की हुई हैं। देखिए हम मैंने मेरा चैनल ओपन किया है मैजिकल थ्रेड्स, तो वीडियोस के ऊपर हैं। अभी हम प्लेलिस्ट को टच करेंगे, ये प्लेलिस्ट आ गई। यहाँ पर देखिए समर ड्रेसेस की प्लेलिस्ट है, समर क्लोथ ड्रेसेस लिखा है, इसको आप टच कर लें। यहाँ पर आपको क्रोशिया के थ्रेड से बनी हुई और जो क्लोथ से बनी हुई ड्रेसेस हैं वो सारी मिलेंगी। आज हमने जीरो और एक नंबर की चोली बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी एक से लेके, ये देखिए ये तीन की है, ये दो की है, ये चार की है, ये पाँच छः की है, एक से लेके छः तक की चोली मैंने पहले भी अपलोड की है। लेकिन अब मैंने एक फिर से सेटिंग बनाई है, तो एक से लेके 15 तक की चोली आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैं सभी अपलोड कर दूंगी। तो ये बनाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, वो बनाना चाहते हैं जो अभी मैं न्यू सारी अपलोड करूँगी तो वो भी ठीक है। ये देखिए क्रोशे के धागे से पहले भी ड्रेसेस हैं, और ये देखिए क्लोथ की हैं। तो इन ड्रेसेस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ओपन कर ले। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग की जो ड्रेस होती हैं उसके लिए मेजरमेंट चार्ट भी अपलोड किया है। तो चोली बनाने के लिए देखिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 2.5 mm, इस तरह का ये क्रोशिया हुक है। थोड़ा पतला है क्योंकि हमने समर ड्रेस बनानी है, और ये धागा भी हमारा बारीक है, इसलिए हमने थोड़ा बारीक क्रोशिया लिया है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, एक चेन बनी हमारे पास, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह चेन। जब भी हम बनाएंगे इस तरह से थोड़ी लूज चेन बनाएंगे, चेन टाइट नहीं बनाएंगे। 15 चेन मैंने ली हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम थंब रख लेंगे, इसके बाद एक दो तीन चार, चार चेन ली, यही वाली चार चेन स्किप करेंगे। धागा लेकर जहाँ पर हमने थंब रखा था, फिफ्थ चेन है ये, चार चेन जो हमने अभी ली हैं उनको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो में मुझे 16 डबल क्रोशिया चाहिए, 16, तो उसके लिए मैंने 15 चेन ली थी और साथ में ये चार ली हैं। एक इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, जो हमने शुरू में चार चेन ली है, तो एक ये हो गया, दो ये हो गए, हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये तीन चार पांच कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट चेन है हमारे पास, इसमें भी बनाया है, तो 16 मेरे पास डबल क्रोशिया हो गए, अगर शुरू वाली तीन की चेन को भी काउंट करेंगे। देखिए इसे भी काउंट करेंगे, एक ये दो, ये देखिए ये टोटल पाँच है मेरे पास, फिर पाँच और पाँच 10 हो गए, 15, और ये एक 16, 16। अब हमने तीन चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, ये बिल्कुल हमारी जो स्टार्टिंग चेन है इसमें हमारी ये तीन की चेन काउंट होगी, तो यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक बनाया, इसी में फिर से बनाया, तो फर्स्ट वाली जो हमारी चेन है इसमें हमने एक बार बनाया है, उसके बाद हमने दो बनाए हैं, तो इसके बाद जितनी भी हमारे पास चेन है सभी में दो दो बनाएंगे। देखिए इस तरह से,
ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। फिर से देखिए यहाँ बनाया, फिर इसी में फिर से बनाएंगे सेम में, इस तरह से हर चेन में हम दो बनाएंगे। लास्ट वाली जो हमारी तीन की चेन होगी उसमें एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सभी के ऊपर मैंने दो दो बनाया है, बीच में फर्स्ट वाले के ऊपर हमने एक बनाया था यहाँ पर, और एंड वाले हमारी ये देखिए यहाँ पर ये सेकंड लास्ट है हमारा, ये सेकंड लास्ट हमारा स्टिच है, इसके ऊपर मैंने दो बनाए इसकी चेन में। अब लास्ट में हमारे पास ये चार चेन जो हमने शुरू में लिए थे, देखिए ये वाली जो चेन है इसमें हमने बनाना है लास्ट हमारा, सबसे ऊपर वाली चेन में एक बनाया यहाँ पर। लास्ट में भी देखिए मैंने एक बनाया, शुरू में भी एक बनाया, और सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 16 थे 16, तो 16 में से जो सेंटर वाले 14 हमारे पास स्टिच हैं, तो 14 के ऊपर हमने दो दो बनाए हैं, तो 28 हो गए, और ये इस साइड एक बनाया, इस साइड एक बनाया, तो ये 30 हो गए, 16 स्टिच थे हमारे पास। सेकेंड रो में हमारे पास यहाँ पर 30 हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल स्टार्ट वाला है उसमें ये तीन की चेन आएगी, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बनाया, अब आप ध्यान से देखिए हमने थर्ड रो में 6 स्टिच इंक्रीज करने हैं, 30 के हमने 36 करने हैं, तो 6 स्टिच हमने किस तरह से इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट में एक है, सेकेंड में एक है, इसके बाद जो थर्ड है यहाँ पर दो बनाएंगे, एक फिर सेम में बनाया दो, तो एक ही में मैंने दो बनाए। इसके बाद देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, चार बार यहां पर हमने एक एक बनाना है। देखिए यहां पर हमने दो बनाए हैं, इसके बाद ये एक, ये दो, तीन और चार। अब फिफ्थ में हमने दो बनाने हैं, एक बनाया, सेम में फिर से बनाया दो। अब फिर से हम चार बार हम एक एक बनाएंगे, ये एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर थर्ड वाले में एक बनाया, फिर फोर्थ वाले में एक बनाया। अब ये फिफ्थ स्टिच है, फिफ्थ में हम दो बनाएंगे, एक और सेम में बनाया दो। ये देखिए शुरू में हमारे पास ये दो हैं, एक और दो, उसके बाद ये दो बनाए, इन दो को छोड़ दीजिए। ये देखिए ये हमने चार बार एक एक बनाया, फिर हमने दो बनाए, इसके बाद हमने फिर से चार बार एक एक बनाया, इसके बाद हमने दो बनाए, तो हर फिफ्थ स्टिच में दो बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, यहाँ पर देखिए ये हमने दो बनाए हैं, इसके बाद हमने एक दो तीन चार में बनाया, एक एक फिर दो बनाए। अब एंड में हमारे पास दो स्टिच रहते हैं, एक ये है और एक ये तीन की चेन है, तो इन दोनों के ऊपर हम एक एक बनाएंगे, एक बनाया और थर्ड चेन में हमने एक बनाया, छह स्टिच यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो गए। एंड में हमने दो बनाए हैं और शुरू में भी देखिए एक और दो अलग अलग में हैं, तो 36 हो गए यहाँ पर 36। एक दो तीन चेन लिए हमने, वो को टर्न करेंगे, फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। अब यहाँ पर हमने आर्म होल बनाना है, चार बार हमने बनाया, एक ये पांच, तीन की चेन को मिलाकर हमने एक दो तीन चार पांच बनाए। इसके बाद देखिए स्किप करेंगे, आठ हमने यहाँ पर स्किप करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ स्किप किए, नाइन्थ में हमने डबल क्रोशिया किया। शुरू में देखिए हमने फ्रंट साइड के पांच रखे हैं, तो पांच का डबल 10 होता है, 10 यहाँ पर बनाएंगे, तीन देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 10 हमने बनाए। इसके बाद फिर से 8 स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और 8, नाइन्थ में हमने बनाया, 5 हम यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये लास्ट जो
तीन के चेन है, उसमें हमने बनाया सबसे ऊपर वाली में। देखिए एक नंबर लड्डू गोपाल जी की छोटी सी चोली बन गई है। आप चाहे तो यहाँ से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर जैसे मैं बनाती हूँ आर्म होल की साइड से हम बनाते हैं, तो यहाँ तक आप स्लिप स्टिच से जाएंगे। ये देखिए ये सेकंड स्टिच के ऊपर वाली चेन है, ये शुरू में जो तीन की चेन है ये थर्ड चेन ऊपर वाली है, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ तक जाएंगे, लेकिन जब भी आप स्लिप स्टिच बनाएं इस तरह से थोड़ा ये वाला फंदा लूज रहना चाहिए। ये देखिए लूज है ये थोड़ा, ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है। फर्स्ट रो में 16 है 16, सेकंड रो में हमारे पास ये 30 हो गए 30, थर्ड रो में 36 हैं 36, और ये लास्ट में जो है हमारे पास 5 + 5 = 10, और 10 हमारे पास बैक साइड है, टोटल ये 20 है 20। तो ये एक नंबर की बन गई। अब हम जीरो नंबर की बनाएंगे। तो जीरो नंबर की चोली बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 13 चेन लिए हैं 13, उसी तरह से हमने थोड़ी लूज चेन बनानी है। फर्स्ट रो में मेरे पास 14 डबल क्रोशिया होने चाहिए 14, तो उसके लिए मैंने 13 चेन ली हैं। इसके बाद 1 2 3 4, जब भी हम चेन के बाद स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 3 नहीं लेंगे, यही वाली 4 चेन स्किप करेंगे। ये फिफ्थ चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। जीरो नंबर की चोली है तो जो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं वो ज़्यादा बड़े हम लंबे लंबे डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, थोड़ी छोटी हाइट के रखेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए काउंट कीजिए, ये 5 है, जो शुरू में 3 4 चेन ली थी उसको भी एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 10, और ये 14 14। जैसे हमने एक नंबर में बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। शुरू में हमने बस 4 चेन ली थी, इसके बाद जब भी हमने लेनी है 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेंगे, फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे, फर्स्ट वाली में 3 की चेन काउंट होगी, नेक्स्ट में बनाएंगे, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में हम एक एक बनाएंगे, सेंटर में उसी तरह से 2 2 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए एक बनाया, फिर इसी चेन में फिर से बनाया। देखिए शुरू में 1 है, उसके बाद 2 हैं, फिर 2 हैं, इसी तरह से 2 2 बनाते जाएंगे, लास्ट जो 3 की चेन है वहाँ पर हम एक बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर लिए मैंने, 2 2 बनाए हैं, लास्ट में देखिए, देखिए ये सेकंड लास्ट में अभी मैंने 2 बनाए हैं, इसके बाद ये लास्ट में जो चेन है हमारे पास उसमें मैंने एक बार बनाया, तो शुरू में और एंड में मैंने एक एक बनाया है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 14 थे 14, तो 14 में से जो बीच वाले 12 स्टिच हैं यहाँ पर 12 के ऊपर मैंने 2 2 बनाए हैं, तो ये 24 हो गए। ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इसके ऊपर एक एक बनाया है, तो 2 ये हो गए 26। सेकेंड रो में हमारे पास 26 हैं 26। अब हमने 6 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसमें 3 की चेन आएगी, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, और डबल क्रोशिया हम छोटी हाइट का रखेंगे क्योंकि जीरो नंबर की चोली बहुत छोटी होती है। तो ये बनाया 1 2 3, 3 में हमने एक एक बनाया, अब यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 1 सेम में फिर से बनाएंगे, 2 एक हमने इंक्रीज़ किया, 6 इंक्रीज़ करने हैं हमने यहाँ पर। इसके बाद देखिए 1 फिर ये 2 और 3, 3 स्टिचेस में मैंने एक एक बनाया, फिर ये फोर्थ स्टिच है इसमें हम 2 बना लेंगे, 1 सेम में बनाएंगे, 2। ये देखिए 1 2 3 में हमने एक एक बनाया है, इसके बाद 2 बनाए हैं, उसके बाद फिर से देखिए 3 में एक एक बनाया, फिर 2 बनाए, कंप्लीट करेंगे, हर फोर्थ चेन में 2 बनाएंगे। देखिए
यहाँ पर देखिए ये दो बने हैं, उसके बाद एक दो तीन में एक एक बना या फिर दो बना है। इसके बाद हमारे पास दो स्टिच रहते हैं, एक ये डबल क्रोशिया और एक एंड में चेन, इन दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे, एक और ये दो। तो अब इस रो में मेरे पास ये 32 हो गए 32। यहाँ पर देखिए एंड में दो हैं, शुरू में हमारे पास तीन थे, बाकी सभी जगह बीच में तीन तीन हैं। एक दो तीन चेन लिए, यहाँ पर नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाले में बनेगा, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। टोटल यहाँ चेन को मिलाकर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने एक नंबर चोली में बनाया था। पांच हो गए, छह स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्किप किए, सेवन्थ में हमने एक दो तीन चार पाँच छः, सेवन्थ में डबल क्रोशिया किया, 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, 10। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, छः स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, सेवन्थ में हमने डबल क्रोशिया किया, 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हमने दूसरी साइड फ्रंट साइड में बनाए हैं। ओके, अभी हमने सेकंड लास्ट के ऊपर बनाया है, अब लास्ट वाली जो चेन है तीन के वहाँ पर बनाया है। इसमें भी हमने सेम उतनी ही रो रखी है, देखिए इसमें भी एक दो तीन रो है, फोर्थ में हमने आर्म होल बनाया है, इसमें भी सेम है, लेकिन ये देखिए ये देखने में चार रो होने पर भी ये छोटी लगती है एक नंबर से, देखिए थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर, कारण यही है फर्क होने का। इसमें हमने थोड़े छोटे हाइट के डबल क्रोशिया रखे हैं, इसमें हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया रखे हैं। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 14 थे 14, सेकेंड राउंड में 26 हो गए 26, थर्ड में हमारे पास ये 32 हैं 32, और लास्ट में यहाँ पर भी हमारे पास 20 हैं, यहाँ पर भी 20 हैं 20 20। देखिए 5 प्लस 5 10 और 10 बैक साइड हैं, टोटल ये हमारे पास 20 हैं 20। तो दोनों चोली बन गई हैं, आप चाहें तो इसको आप किनारी भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं, ये शुरू में जो तीन की चेन है वहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, फिर सेकंड के ऊपर किया, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर बनाया और ये फिफ्थ के ऊपर। तो अब अगर आपने यहाँ पर किनारी बनानी है तो वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये डबल क्रोशिया है, इसको हम यहाँ से लेंगे, ये छोटी चोली है 0 1 नंबर की, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से किनारी बनाएंगे। ये हमने अभी धागा स्टार्ट किया है, तो इसमें हम 2 बार बनाएंगे, ये एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक बार 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट को लेंगे 2 बार यहाँ पर बनाएंगे, एक और ये 2, फिर नेक्स्ट में 4 रो हैं हमारे पास, तो 4 बार इस तरह से दो दो आएंगे सिंगल क्रोशिया, एक और 2। इसके बाद इस साइड जाएंगे तो एक हम चेन लेंगे, एक चेन लेकर देखिए यहीं पर हम 2 बार और बनाएंगे, ये 2 बनाए हैं हमने इस साइड के लिए, ये 2 बनाएंगे इस साइड के लिए, तो सेंटर में हमने 4 बनाने हैं। अब इसके बाद एक और 2 स्किप करेंगे, दो बार बनाया, फिर 2 स्किप किए, फिर 2 बार बना लेंगे, एक और 2। आप चाहें तो इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो एक एक में बना सकते हैं, एक स्किप करेंगे यहाँ पर एक बार बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे एक बार बनाएंगे, तो ये आपकी चॉइस है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं हर में एक एक, या फिर 2 छोड़ के 2, तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक।
यहाँ कॉर्नर में इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर चार बनाए हैं, इस कॉर्नर में इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे और एंड तक बनाएंगे। देखिए अब इसी तरह से यहाँ पर आर्म होल की भी बना सकते हैं। धागा स्टार्ट किया हमने, दो बार बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाया और ये दो, दो सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर किए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर किए हैं, अब इसके साथ वाले में हमने दो बनाए, एक और दो, फिर दो स्किप करेंगे, एक और दो। यहाँ पर देखिए हमने चेन में नहीं बनाया, इस तरह से चेन को मैंने नहीं लिया, एक और दो हम बनाएंगे। ये दो डबल क्रोशे के सेंटर में जो होल बनता है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किए। फिर दो स्किप किए, एक और दो स्किप किए, लास्ट में ये डबल क्रोशे को लिया, यहाँ पर दो बार बनाया, एक चेन लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। दोनों साइड देखिए मैंने किनारी कर दी है। अब ये शुरू वाला यहाँ पर ये धागा है और जो एंड वाला धागा है, इनके हम देखिए इसे आप उल्टे कर लें, इन दोनों की आप रॉन्ग साइड नॉट लगा लें। देखिए ये दोनों धागे पकड़ के यहाँ पर नॉट लगाएंगे और धागे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये जो ग्रीन कलर का धागा है, दोनों धागे हम इसी में एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम आर्म होल वाली करेंगे। तो चोली देखिए तैयार हो गई है, ये एक नंबर की चोली और ये 0 नंबर की चोली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।